नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और उनसे जुड़े विवादों का तय समय में होगा प्रभावी निपटारा। लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित। बिल में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन और गुमराह करने वाले विज्ञापनों से जुड़े सेलिब्रिटी पर जुर्माने का भी प्रावधान। राफेल और कावेरी मुद्दे पर लगातार सातवें दिन नहीं चल पाई राज्यसभा की कार्यवाही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने गतिरोध पर जताई कड़ी नाराजगी। रिकॉर्ड देखने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के बयान को पाया सही। कहा, विजय गोयल ने नहीं लिया राहुल गांधी का नाम। सार्वजनिक बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश करेगी सरकार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी जानकारी। कहा, सरकारी बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में होगा सुधार। बैंकों में फंसे कर्ज की पहचान का काम पूरा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को दी पश्चिम बंगाल में गणतंत्र बचाओ यात्रा की मंजूरी। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को लगाई फटकार। खारिज की सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचने की दलील। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत बीजेपी नेताओं ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। और देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने में गुजरात नंबर एक राज्य। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने देश भर में की 14,565 स्टार्टअप्स की जांच। उद्यमियों को बढ़ावा देने में गुजरात के बाद कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और केरल का प्रदर्शन बेहतर। और खबरें विस्तार से। लोकसभा ने आज उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित कर दिया। ये नया विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं के हितों को मजबूत करना है। बिल खराब वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए भी व्यवस्था प्रदान करेगा। लोकसभा में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 की चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कानून लागू होने पर सदस्यों के सुझावों पर अमल का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्द सुलझाने में अधिक प्रभावी होगा। साथ ही बरगलाने वाले विज्ञापन, टेली मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स की वजह से नए कानून की जरूरत थी। अभी भी कोई आदमी सुझाव देना चाहेंगे तो हम खुले दिमाग से क्या कहते हैं कि उस पर करेंगे। इसमें कहीं कोई मामला सरकार का नहीं है, कोई मामला पॉलिटिकल नहीं है। प्रोडक्ट लाइबिलिटीज का मामला है या मिलावट का मामला है। मिलावट दो तरह के हैं, एक FSSAI देखता है, एक हम लोग देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है ये बिल क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो है यहाँ लाया है। इसमें क्या कहते हैं कि विधेयक में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के संबंध में सेलिब्रिटी पर जुर्माने का भी प्रावधान है। सदन में चर्चा के दौरान सांसदों ने अपनी राय रखी। मैडम, दिस बिल ऑन द वन हैंड दिस बिल हैज सीवियर पेनल्टी प्रोविजन फॉर द एंडोर्सर्स एंड ऑन द अदर इट इज गिविंग देम अ रूट टू गेट अवे बिकॉज़ द क्लॉज ऑफ ड्यू डिलिजेंस विल एक्ट इन देयर डिफेंस। आफ्टर अ बिल इज पास्ड, आफ्टर अ लॉ इज मेड, देयर इज नो पोस्ट लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट डन इन दिस कंट्री फॉर व्हिच वी डू नॉट रियली कम टू फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड to the bills that we are passing. जिस प्रकार से जिले के स्तर पर धनराशि को बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से प्रदेश के स्तर पर किया है, राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बनी है, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है ताकि उपभोक्ता संरक्षण के लिए संवैधानिक निकाय की कमी को पूरा किया जा सके। ये अथॉरिटी उत्पादों को वापस लेने के लिए दबाव डालने और खरीदी गई वस्तुओं की कीमतों की वापसी और उत्पाद को लौटाने जैसे प्रावधानों को लागू करेगा। रविंद्र सिंह चौराण के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उपभोक्ता संरक्षण बिल 2018 खराब वस्तु और सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्था देता है।
अगर खराब वस्तु या सेवा में से किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान होता है तो वो मैन्युफैक्चरर, विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ उत्पाद दायित्व का दावा अपने घर से ही कर सकता है। बिल में भ्रामक विज्ञापनों के लिए पहली बार मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दोबारा जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का प्रावधान है। CCPA भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर्स को 1 साल तक की अवधि के लिए किसी विशेष उत्पाद या सेवा को एंडोर्स करने से प्रतिबंधित भी कर सकती है, जो हर बार 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। बिल के कानून बनने पर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर फैसला करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ रुपए तक, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई होगी। विधेयक में प्रावधान है कि जिस शिकायत में कमोडिटी के परीक्षण की जरूरत ना हो तो आयोग ऐसी किसी शिकायत का निपटान 3 महीने के भीतर और जहां परीक्षण की जरूरत होगी तो शिकायत का निपटारा 5 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। बिल में उपभोक्ता संरक्षण पर सलाह देने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना का प्रावधान है। और राज्यसभा से पारित होकर आए राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास संशोधन विधेयक 2018 को लोकसभा ने भी आज पारित कर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक को विचार और पारित कराने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नियमों की जटिलता के कारण 2014 से ही राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों को आसान बनाने के उपाय किए गए हैं। इस विधेयक के जरिए 1999 के कानून में संशोधन किया जाना है। छोटे छोटे 2 संशोधन प्रस्तुत किए हैं धारा 4 में कि उसकी अवधि 3 साल की होगी और यदि वो त्याग पत्र दे देगा तो सरकार उसको जब स्वीकृत कर लेगी तब से ही वो पदमुक्त हो जाएगा और उसकी पदमुक्ति के पहले अगर 3 साल की कार्यावधि हो रही है तो 2.5 साल में ही उसके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और राफेल और कवारी मुद्दे पर अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही आज लगातार 7वें दिन नहीं चल पाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन चलाने की अपील की, बावजूद इसके सदन में गतिरोध बना रहा, जिसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राफेल और कावेरी मुद्दे पर अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही लगातार 7वें दिन भी बाधित रही। सदन में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र रखे जाने के बाद कावेरी मुद्दे पर DMK और AIADMK सांसद भी आसन के करीब आ गए और गतिरोध पैदा किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। सभापति ने सदस्यों से कहा कि सदन में कई मुद्दे और विधेयक लंबित हैं, जिसे पारित कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सदन को कुछ राज्यों में चक्रवात के कारण हुए तबाही पर भी चर्चा करनी है। सभापति ने कहा कि राफेल पर उन्हें नोटिस मिला है और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। Honorable members, the entire country is watching us. There are many issues which are pending before the house. Important bills are there. We have to discuss about cyclone. We have to discuss about there are notice also about Rafael. The house is, we can discuss about Rafael also. The government also has no objection to discuss about Rafael. They have given in writing. So we can discuss on Rafael, we can discuss on agriculture, we can discuss on price rise, we can discuss on this Mekadatu, we can discuss on even cyclone also. Please cooperate. This is not the way. I'm telling you. The entire country is very much really agitated the way the house is functioning. सभापति की बार बार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार सभापति एम वेंकैया नायडू को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा TV।
और अगले कुछ महीनों में पब्लिक सेक्टर बैंकों में 83,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस बारे में जानकारी दी है। इससे पहले सरकार ने अनुदान की अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त के तहत सरकारी बैंकों में अतिरिक्त 41,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी। अरुण जेटली ने कहा कि इससे चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकों का कुल रिकैपिटलाइजेशन 65,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 106,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रिकैपिटलाइजेशन की मदद से सरकारी बैंकों की लेंडिंग की क्षमता यानी कि उधार क्षमता में वृद्धि होगी और उन्हें आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि शीघ्र सुधार कार्य ढांचे से बाहर आने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की पहचान का काम पूरा हो गया है और एनपीए में कमी आनी शुरू हो गई है। रिकॉग्निशन ऑफ द एनपीएस, अ प्रोसेस व्हिच स्टार्टेड इन 2015, हैज मेड अ कंसिडरेबल हेडवे। इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड एट अ टाइम वेयर it had peaked in March 2015, the non-recognition was to the extent of about 7%. That now is about 0.59. So a high provisioning has already been made by the banks as a result of disciplining which has taken place in the last few years. And obviously, they led to the peaking of the NPAs because what was under the carpet has been brought in the best norms of transparency shown on the books. And hopefully, the last quarter has already shown that there is an improved performance. And therefore, now the downward slide in the NPA itself would now commence. This entire exercise would also lead to the improvement in the lending capacity of the banks itself. कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने बीजेपी को गणतंत्र बचाव यात्रा की मंजूरी दे दी है। साथ ही प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कानून की व्यवस्था को बनाए रखा जाए ताकि ये जो पूरी यात्रा है वो सुचारू रूप से चल सके। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की गणतंत्र बचाओ यात्रा कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। उसने यात्रा के दौरान राज्य में सांप्रदायिक अशांति की टीएमसी सरकार की आशंका को दरकिनार कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पश्चिम बंगाल सरकार के राजनीतिक पार्टी के अधिकार की अनदेखी पर विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और यात्रा की तारीखें जल्द तय करने की बात कही है। जो प्रशासनिक ऑर्डर पास किए गए थे उसको असंवैधानिक करार किया दिया गया है, उसको दुर्भावनापूर्ण प्रेरित निर्णय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है। यह फैसला स्वागत योग्य है और अब भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार से जो प्रशासनिक नियम हैं उनको एक लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल में अपने जो यात्रा ममता बनर्जी जी की सरकार के द्वारा प्रशासनिक अवरोधों के कारण रोकी गई थी उसको पूर्व कार्यक्रम के अनुसार पुनः प्रारंभ करेगी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी की गणतंत्र बचाओ यात्रा को पश्चिम बंगाल सरकार ने रथ यात्रा बताकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। इस सबके पीछे ना एक बड़ा अंदरूनी एजेंडा छुपा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप इसे ऐसा सोचिए कि यही उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, यही उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। इसी से जो है वो माइनॉरिटीज़ को ये बताना चाहते हैं कि देखिए हम तो ऊपर तक जा रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए, है ना। और भले वो मुहर्रम के मुहर्रम को प्रायोरिटी देना ओवर दुर्गा पूजा इमर्शन हो या बार बार कोर्ट से फटकार मिलना हो, ये सब उनका अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ईजा कोच्चे जंगलर राजत्व तो नई कारण जंगलर राजत्व आजकल अनेक भलो इरा भारत के खराब कर निश्चय प्रशासन एवं आईन विभाग। कोर्ट ने बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई को निर्देश दिया है कि वो जिले के एसपी को 12 घंटे पहले जानकारी दें जहां यात्रा पहुंचने वाली है। पार्टी ये सुनिश्चित करे कि यात्रा के दौरान
कानून की अनदेखी न हो, साथ ही ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही में रुकावट नहीं हो। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान और क्षतिग्रस्त की जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, जिससे कानून व्यवस्था की किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह फैसला बीजेपी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से यात्रा को इजाजत नहीं देने को चुनौती दी गई थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में 3 यात्रा निकालने की तैयारी में है। 1.5 महीने के दौरान राज्य की 42 संसदीय क्षेत्रों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैलियां भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य पदार्थों की बर्बादी को लेकर चिंता जताई है। राष्ट्रपति आज भारतीय खाद्य प्रसंस्करण परिसंघ के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि बेहतर और उचित वितरण व्यवस्था के जरिए खाने की बर्बादी को आसानी से रोका जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि खाने की बर्बादी रोकने से देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग और अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसे रोकने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में भोजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि वस्तुओं और फूड प्रोसेसिंग के मामले में भारत के पास सरप्लस मौजूद है और हम वैश्विक बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक फायदे को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा देने का ये सही वक्त है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों और मंडी के बीच एक सेतु बनाकर अन्न के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। We must fix missing links in the farm to fork value chain. The differential between what farmers gets for their crops and prices that food consumers pay, both within the country and internationally, is substantial. It is important to reduce this. This will make for security of demand and supply, and it will also ensure sustainability of farming as a profession. BJP ke varishth neta aur purv kendra mantri Anand Kumar ko aaj Delhi ke Constitutional Club mein shraddhanjali di gayi. Upraashtrapati M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, BJP adhyaksh Amit Shah, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अनंत कुमार को प्रतिभाशाली नेता बताते हुए अपना खास दोस्त बताया। Ideal grassroots level worker. Two is an ideal parliamentarian. Three is an ideal political leader. Four is an ideal minister. Then five is an ideal friend to one and all. Because he always used to enjoy working. That used to be his attitude. Never used to get tired. आज जो हम उनको याद कर रहे हैं, ये केवल आज नहीं याद करेंगे, जब भी कभी मन में भाव आएगा कि उत्तम कार्यकर्ता कैसे होना, तब आनंद जी याद आएंगे, क्योंकि आनंद जी अनंत कामों में अनंत प्रकार से हर एक को, मुझे तो की है वो कार्य कुशलता से करने में जो मदद की है, और इसलिए अनंत बार याद आते ही रहेंगे। और देश में स्टार्टअप के लिए माहौल और सहयोग के लिहाज से गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग में पहले पायदान पर है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी कि DIPP की ओर से आज जारी हुई रैंकिंग में गुजरात को 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बेस्ट परफॉर्मर बना दिया गया है। DIPP सचिव ने कहा कि स्टार्टअप की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने और नियमों को आसान बनाकर सफलता की दर को और बढ़ाया जा सकता है।
देश में स्टार्टअप के लिहाज से गुजरात सबसे बेहतर है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने पहली बार स्टार्टअप के क्षेत्र में सफलता के लिए रैंकिंग जारी की है, जो स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल बनाने और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर आधारित है। वैसे भी नेचुरली उनका सक्सेस रेट कम ही होता है, लेकिन स्टेट की जो मदद होती है, सपोर्ट होता है, उससे उनकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स दे डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनिशियल सीड फंड्स, एंड दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू नर्चर देम बाय प्रोवाइडिंग सीड फंडिंग एंड देन सम सॉर्ट ऑफ एंजल फंडिंग एंड देन लेटर ऑन एट द मैच्योरिटी स्टेज वेंचर फंडिंग। So if the state provides all those fundings, the innovations can see the day of light. National level launch has happened. There is a lot of policy support in the government of India level also for the startups. For example, many of my startups in Kerala are actually being beneficiaries of the funds which public sector oil companies are providing, which Honorable Secretary was mentioning some time back, whether it is BPCL or GAIL or HPCL, all of them. Now that is big thing, because when you are looking at a higher end research product, and Kerala has a lot of hardware startups which requires a larger amount of funding. You cannot take it from a venture capitalist or cannot get from angel fund. You require grants. Startup ranking में गुजरात के बाद कर्नाटक, राजस्थान, ओडिशा और केरल का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उभरते हुए राज्यों की श्रेणी में आए हैं। डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने बताया कि स्टार्टअप की सफलता के लिए राज्यों को कई नियमों को आसान बनाना होगा। More sensitivity on having easier regulations. The regulations which have been made for other companies, the regular conservative business models, don't suit the startups very often. We have been trying to sensitize many government officials, regulators on this, and we have actually managed to get 22 regulations changed in the last 3 years, 2.5 odd years. But we need to do much more. We are aware of it. There are always challenges. But if the people are sensitive in the government, obviously things will be much better. डीआईपीपी ने स्टार्टअप रैंकिंग तैयार करने के लिए पूरे देश में 14,565 स्टार्टअप की जांच की है। आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, कृषि, अक्षय ऊर्जा समेत कई अन्य क्षेत्रों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,587 स्टार्टअप हैं। इसके बाद कर्नाटक में 1,973 स्टार्टअप हैं। राजधानी दिल्ली इस मामले में तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कुल 1,833 स्टार्टअप है। गुजरात में स्टार्टअप की संख्या भले ही 712 है, लेकिन इसका प्रदर्शन बेहतर है। खुद का कारोबार शुरू करने की चाह रखने वालों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत 3 साल के लिए स्टार्टअप के लिए कर छूट और अन्य चीजों के साथ फौरन पेटेंट पंजीकरण दिया जाता है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले की सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी है। सज्जन कुमार पर सिखों की हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है। ये मामला नवंबर 1984 में सुल्तानपुरी में 16 लोगों की हत्या से जुड़ा है, जबकि इससे पहले दिल्ली कैंट में हुई हिंसा में 5 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना चुकी थी। 1984 सिख विरोधी हिंसा मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में सज्जन कुमार खुद पेश हुए। उनकी ओर से पेश वकीलों ने अपने सीनियर वकीलों की गैर मौजूदगी के चलते सुनवाई टालने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उसी दिन इस मामले में पीड़ित पक्ष की गवाही जारी रहेगी। नानावटी आयोग की सिफारिश पर सीबीआई ने इस मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। भारत और चीन के बीच संबंधों को पटरी पर लाने के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। शुक्रवार को भारत और चीन के विदेश मंत्री दिल्ली में मुलाकात करेंगे और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस साल 27-28 अप्रैल को हुए अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्री स्तर की ये पहली बातचीत है और इस बैठक के लिए शिखर वार्ता में ही फैसला लिया गया था।
भारत और चीन के बीच रिश्तों को दिशा देने के लिए शुक्रवार को दोनों देशों की उच्च स्तरीय बैठक होगी। राजधानी दिल्ली में आयोजित पीपल टू पीपल मैकेनिज्म बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री वांग यी इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान भारत चीन के बीच गतिरोध के मुद्दों को खत्म करने के प्रयासों का एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के अलावा दोनों देशों की जनता के बीच संबंध बढ़ाने, पर्यटन में इजाफा लाने और सांस्कृतिक मामलों से एक दूसरे को अवगत कराने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इस दौरान भारत और चीन के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी है। भारत चीन के बीच प्रसारण के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक मीडिया मंच भी तैयार किया गया है। No, I mean, this specifically is the high level mechanism on cultural and people to people exchanges. The meeting, of course, I mean, there will be a bilateral meeting, delegation level talks between EAM and the Chinese foreign minister. And after that, at the beginning of the media forum, it will be EAM, external affairs minister and Chinese foreign minister. भारत चीन के बीच विशिष्ट नागरिकों का एक समूह बनाए जाने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा दोनों देशों के रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच गुरुवार से ही चर्चा चल रही है, जिसमें विदेश मंत्रालय से जुड़ी विदेश मामलों की भारतीय परिषद के सदस्य भी शामिल हैं। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी और चीन के राजदूत ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के संदेश भी पेश किए थे। शुक्रवार को दिल्ली में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, जिसमें दोनों देशों के कलाकार भागीदारी निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सुषमा स्वराज और वांग यी दोनों विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। दिस एडिशन ऑफ द फोरम इज बीइंग हेल्ड एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया चाइना हाई लेवल मैकेनिज्म ऑन कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड पर्सुएंट टू द डिसीजन टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी and President Xi Jinping in their informal summit in Wuhan. I wish to encourage the think tank from both sides to state up exchange and mutual learning to contribute our wisdom in East to a world of change unseen in a century and provide intellectual support for a closer development partnership between our two countries. अपनी तीन दिनों की यात्रा के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी औरंगाबाद और मुंबई भी जाएंगे। इस दौरान वे कई पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री भारत में काम कर रहे चीन के व्यवसायियों से भी मिलेंगे। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की यह बैठक सामान्य नहीं है। इसके माध्यम से दोनों देशों की जनता को और दुनिया की सरकारों को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही भारत और चीन के बीच में कई मामलों में विभिन्नता हो, विचारों में मतभेद हों, लेकिन दोनों देशों के बीच में कई समानताएं हैं जिसके ऊपर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।